अब हम लोग बात करते हैं स्टेयर्स के बारे में कि घर में हम सीढ़ी कहां बनाना चाहिए और सीढ़ी के बारे में हर वो चीज जो हमें वास्तु में फॉलो करना चाहिए हम लोग सभी सिक्सटीन डायरेक्शन में यानी नॉर्थ से लेकर पूरा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट तक जो सिक्सटीन डायरेक्शन है इन सभी सिक्सटीन डायरेक्शन में पढ़ेंगे कि सीढ़ी कहां बनाना सही होगा और कहाँ नहीं बनाना चाहिए कहाँ बाहर की तरफ बनाना चाहिए और कहाँ जो घर के अंदर जो सीढ़ी का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो अंदर की तरफ करना चाहिए सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन का तो मैं स्ट्रिक्टली मना करता हूँ नॉर्थ में सीढ़ी बनाना ही नहीं चाहिए नॉर्थ में स्टेयर्स भूल भी नहीं बनाना चाहिए नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं बनाना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं बनाना चाहिए क्योंकि जल तत्व है इधर हल्का होना चाहिए भार जो होता है वो साउथ वेस्ट की तरफ होता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ तो यहाँ भी नहीं बनाना चाहिए ईस्ट की बात करूँ तो यहाँ भी नहीं बनाना चाहिए अगर बहुत ज़रूरत है तो बना सकते हैं मैं ये कहूँ अगर लगता है कि कहीं ऑप्शन ही नहीं है तो हम ईस्ट में बना सकते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट में बना सकते हैं यहाँ बना सकते हैं मैं ये भी बताऊँगा कि जब हम घर बनाते हैं तो जब हमें नॉर्थ में मेन डोर खोलना होता है या ईस्ट में मेन डोर खोलना होता है तो हमें स्टेयर्स किस तरीके से बनाने चाहिए कि वो सही दरवाजा हम खोल पाए साउथ ईस्ट में अवॉइड करना चाहिए अगर घर के बाहर की तरफ बन रहा है तो और अगर घर के अंदर के तरफ का सीढ़ी का, का निर्माण हो रहा है तो हम बना सकते हैं फिर साउथ साउथ ईस्ट यहाँ बनाया जा सकता है साउथ में बनाया जा सकता है साउथ साउथ वेस्ट में बनाया जा सकता है साउथ वेस्ट में ध्यान रखना चाहिए कि अगर सीढ़ियों का निर्माण घर के अंदर से हो रहा है वो तो मैं आपको पिक्चर में दिखाकर समझाऊंगा कि अगर घर के अंदर से हो रहा है तो बना सकते हैं और अगर घर के बाहर से है तो फिर नहीं बना सकते वेस्ट साउथ वेस्ट में बना सकते हैं वेस्ट में बना सकते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बना सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में बना सकते हैं और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में बना सकते हैं यानी इन जगहों पर स्टेयर्स बनाने में कोई खास दिक्कत नहीं आती लेकिन अगर हम सीढ़ियों का निर्माण अगर नॉर्थ 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 ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अगर करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ता है अब हम लोग समझेंगे कि सीढ़ी का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे कि सही दरवाजे तक हम पहुंच पाए अब है ये जो सीढ़ी है ये घर के भीतर से है घर के अंदर से है तो ऐसे सीढ़ी का निर्माण जो हमने बताया कि घर के अंदर अगर सीढ़ी है तो हम साउथ वेस्ट में बना सकते हैं साउथ ईस्ट में बना सकते हैं लेकिन यही सीढ़ी अगर घर के बाहर से होता जो कि अपार्टमेंट में जैसे बनते हैं तो वहाँ पे फिर वो नहीं बनाना चाहिए कई लोगों के मन में सवाल होता है कि सीढ़ी के निर्माण के समय सीढ़ियों की काउंटिंग करते हैं कि कितने स्टेप्स होने चाहिए कितने नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए तो इसमें बता दूं काउंट करने का सबसे अच्छा तरीका है ये जो खड़ा वाला लाइन है ये ये जो स्ट्रेट है यहाँ से ये इसे काउंट करना चाहिए अदरवाइज हम हमेशा कन्फ्यूजन में ही रहेंगे हमेशा जब भी काउंट करना है तो ऐसे काउंट करना है जैसे मैं अगर इस पर काउंट करूँ तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और ये अगर मानते हैं ये है तो ये चौदह तो टोटल तो, तो, इसमें चौदह स्टेप हैं स्टेप काउंट करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है आप जो खड़ा वाला जो है उसे आप काउंट करें और अगर ये दो फ्लोर तीन फ्लोर चार फ्लोर तक जाता है तो फिर ये जैसे यहाँ पे आप लैंडिंग हो गया अब यहाँ से लैंडिंग के बाद आप फ्लैट में एंटर कर जाते हैं अब फिर आपको वन टू थ्री इसके बाद फिर काउंट करना पड़ेगा जैसे कि अभी हम लोग काउंट किए ऑड इवेंट की बात करूं तो जो स्टेप्स होने चाहिए वो हमेशा कोशिश करना चाहिए कि ऑड नंबर हो इवन नंबर अवॉइड करना चाहिए अब मैं आपको बताता हूं कि सीढ़ियां क्लॉकवाइज रखा जाए या एंटी क्लॉकवाइज रखा जाए तो एक एग्जांपल देकर समझाता हूं ये आपका मान लीजिए घर है ये नॉर्थ है ये नॉर्थ ईस्ट है ये ईस्ट है साउथ ईस्ट है साउथ है साउथ वेस्ट है वेस्ट है एंड नॉर्थ वेस्ट है यह हम आठ डायरेक्शन में ही इसको कैलकुलेट करते हैं अभी तो जहां पे हमने अस्ट्रर्स बनाने के लिए मना किया यानी नॉर्थ से लेके ईस्ट तक इनफैक्ट नॉर्थ से ये जो ईस्ट का जो एरिया है इस एरिया में हमें स्टेयर्स नहीं बनाने चाहिए लेकिन अगर किसी वजह से बनाना पड़े मैं फिर से बता रहा हूं नहीं बनाना चाहिए लेकिन फिर भी अगर ऐसी कंडीशन आ गई और हमें ईस्ट में या नॉर्थ में स्टेयर्स लाना पड़ा तो हम लोग यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लेंगे उल्टा एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे और इन डायरेक्शन को छोड़ के जो डायरेक्शन है साउथ में साउथ वेस्ट में या वेस्ट में अगर इधर निर्माण करना पड़ा स्टेयर्स का तो फिर हम यहां पे क्लॉकवाइज लेंगे तो क्लॉकवाइज कहां बनाना है जहां पे स्टेयर्स बनाने का प्रावधान है वहां पे अगर आप स्टेयर्स बनाते हैं तो आपको क्लॉकवाइज और जहां मैंने मना किया जहां नहीं बनाना है अगर किसी कारणवश अगर वहां बनाया जाए तो फिर एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स बनाना चाहिए काउंटिंग के लिए मैंने बताया आपको कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए अब हम लोग स्टडी करते हैं कि जब स्टेयर्स बनाने हैं तो हमें दरवाज़ा जो मेन डोर जो हम लोग हमेशा लेते हैं वहाँ पे अगर दरवाज़ा निकालना है तो हमें स्टेयर्स किधर से लेने चाहिए अब जैसे होता क्या है कि नॉर्थ का जो दरवाज़ा है ये हम लोग सभी डायरेक्शन लिख लेते हैं साउथ ईस्ट साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट क्या होता है अगर नॉर्थ का दरवाजा लेना है तो नॉर्थ का दरवाजा जब मैंने डोर आप स्टडी करेंगे मैं आपको ऑलरेडी समझा रखा हूँ कि जब घर बनाते समय मुख्य द्वार चयन करना होता है तो कितने नंबर का द्वार चयन करते हैं उसमें जो हमने बताया था कि सभी डायरेक्शन में तीसरा और चौथा दरवाजा हमेशा अच्छा होता है अब मान लीजिए कि तीसरा दरवाजा यहाँ पे और चौथा दरवाजा ये यह यहाँ पे आ रहा है इतना दूर में ये डायरेक्शन है अब स्टेयर्स बनाने हैं तो स्टेयर बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें यहीं पे रखना पड़ेगा जैसे घर है अब घर में यहाँ से स्टेयर का प्रावधान है और यहाँ से मुख्य द्वार है ये और ये थर्ड एंड फोर्थ का है मेन डोर तो ये ब्रह्मस्थान हो गया तो अगर हमें सीढ़ी बनाना है तो कैसे बनाएंगे तो यहाँ पे बनेगा यानी इस तरीके से बनेगा कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से शुरू होगा और नॉर्थ में जाकर लैंडिंग हो जाएगा और जो घर का मेन गेट है वो थर्ड एंड फोर्थ आ जाएगा इस सीढ़ी का निर्माण नॉर्थ ईस्ट की तरफ से नहीं करेंगे हमारे पास दो ही ऑप्शन है अगर नॉर्थ का दरवाजा लेना है तो या तो हम लोग सीढ़ी का निर्माण नॉर्थ वेस्ट की तरफ से करें या नॉर्थ ईस्ट की तरफ से करें अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ से करेंगे तो सबसे बड़ी समस्या आएगी कि नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक का एरिया स्टेयर्स आने की वजह से बहुत भारी हो जाएगा इसलिए यहाँ पे न निर्माण करके इसका निर्माण नॉर्थ वेस्ट के तरफ से किया जाता है और फिर थर्ड एंड फोर्थ का डोर जो आता है वहाँ पे सीढ़ी का लैंडिंग कर दिया जाता है वहाँ से घर का मेन एंट्री होता है वैसे ही ईस्ट डायरेक्शन का दरवाजा निकालना है तो सेम कंडीशन यहाँ भी आता है थर्ड एंड फोर्थ डोर तो यहाँ से निकालना है तो कैसे निकालेंगे ईस्ट साउथ ईस्ट से निकालेंगे और फिर थर्ड एंड फोर्थ की एंट्री ले, ले लेंगे तो ये डोर इस तरीके से जाएगा नॉर्थ ईस्ट से ले सकते हैं या साउथ ईस्ट से ले सकते हैं यहाँ पे भी दो ही ऑप्शन है नॉर्थ ईस्ट से सीढ़ी शुरू नहीं करेंगे हमेशा शुरू करेंगे साउथ ईस्ट के डायरेक्शन से और लैंडिंग करेंगे ईस्ट के तीसरे और चौथे दरवाजे के पास यहाँ से मेन एंट्री हो जाएगा घर में जाने के लिए यहाँ से घर के अंदर प्रवेश हो जाएगा और यही इसका मुख्य द्वार कहलाएगा यही मुख्य दरवाजा कहलाएगा वैसे ही अब दक्षिण दिशा की बात करते हैं तो दक्षिण दिशा में भी थर्ड एंड फोर्थ डोर आता है तो यहां पे हम सीढ़ी चाहे तो इधर से ले लें या इधर से ले लें दोनों तरफ से ले सकते हैं हम चाहे तो यहां से भी ले सकते हैं या चाहे तो हम साउथ ईस्ट की तरफ से भी ले सकते हैं दक्षिण का अगर दरवाजा है तीसरा और चौथा अगर मान लीजिए ये डोर है साउथ का थर्ड एंड फोर्थ डोर लेना है तो हम चाहे तो साउथ ईस्ट की तरफ से सीढ़ी बना लें या साउथ वेस्ट की तरफ से बना ले कहीं से कोई समस्या नहीं आती क्योंकि इन डायरेक्शन में हम भार दे सकते हैं बस हमें बचाना होता है साउथ ईस्ट को यानी हम साउथ साउथ ईस्ट से ले सकते हैं या साउथ साउथ वेस्ट से लेके हम थर्ड एंड फोर्थ का जो मेन डोर आता है वहां पे हम लैंडिंग कर सकते हैं वैसे ही वेस्ट का दरवाजा निकालना है तो वेस्ट का भी दरवाजा कहाँ पर अच्छा होगा थर्ड एंड फोर्थ तो यहाँ पे भी जो अगर मान लीजिए थर्ड एंड फोर्थ डोर है तो सीढ़ी अगर लेना है तो हम या तो इधर से ले लें या फिर इधर से ले लें यहां पे भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है चाहते हैं हम लोग तो साउथ वेस्ट की तरफ से भी दरवाजा लेके और थर्ड एंड फोर्थ में एंट्री कर सकते हैं या फिर नॉर्थ वेस्ट की तरफ से भी सीढ़ी लेके और थर्ड एंड फोर्थ में एंट्री कर सकते हैं यानी स्टेयर या चाहे तो यहाँ से ले लें ले, या फिर इधर से ले लें ओवरऑल ये समझना है कि सबसे पहले हमें ध्यान देते हैं जैसे भी घर का निर्माण होता है तो सबसे पहला ध्यान देते हैं कि हाँ घर का मुख्य द्वार कहाँ पे हो तो अगर चारों दिशा में कहीं भी अगर तीसरा और चौथा दरवाज़ा निकालना है तो जो हमने सीढ़ी बनाने का जो प्रावधान बताया कि किस तरफ से बना सकते हैं तो उसी प्रावधान के अनुसार हमें सीढ़ी का निर्माण करना है यहाँ पे कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है हमें नॉर्थ से ईस्ट तक के डायरेक्शन को प्रोटेक्ट करना है साउथ वेस्ट का डायरेक्शन को प्रोटेक्ट करना है और साउथ ईस्ट का डायरेक्शन को प्रोटेक्ट करना है अदरवाइज़ हम इधर भाग दे सकते हैं बाकी हम लोग जो स्टेयर से रिलेटेड डिस्कशन है वो लाइव क्लास में हम लोग करेंगे